दोस्तों, क्या आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो क्या सूख जाता है? बहुत लोग कमेंट करते हैं, सर नर्सरी जो भी पौधा हम लेकर आते हैं बिल्कुल वो सूख जाता है या नहीं सूखता है। तो कभी कभी होता है क्या कि एक महीने दो महीने बाद वो सूख जाता है। आपको मैं छोटे छोटे टॉपिक इस पर कवर करेंगे और बताएँगे कि किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जो ये समस्या है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन टॉपिक को आपको फॉलो करना है। जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आए तो जो सबसे पहला आपको फॉलो करना है, नर्सरी से पौधे का चुनाव आप सही करें। दोस्तों, जब भी आप कोई भी पौधा खरीद के लेके आते हैं तो यह ध्यान रहे कि पौधा लेकर आएँ तो स्वस्थ लेकर आएँ, ताकि स्वस्थ पौधा रहेगा तो उसे लगाएंगे तो अच्छे तरीके से वो ग्रो करेगा। कभी कभी होता है क्या कि पौधे को हम इन्फेक्टेड लेके चले आते हैं और वो इन्फेक्टेड पौधा आपकी गार्डन में लेकर आते हैं, रखते हैं तो सारे अगल बगल के पौधे को इन्फेक्टेड वो कर देता है। तो इससे भी आपको बचने की बहुत ही ज़रूरी है। जो भी पौधा लेकर आएँ, छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा, वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद जो अगला जो आपको ट्रिक काम करना है कि पौधे लाने के बाद कब आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, जब भी नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो हम आपको एक उपाय दे रहे हैं कि जब भी पौधा लेकर आइए, लेके आने के बाद अपने गार्डन में उसे आप रख दीजिए। कम से कम 4 से 5 दिन के लिए आप रख देंगे तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि एक दूसरे वातावरण से पौधा उठ के आता है और आपके वातावरण में पौधा आके मिल जाता है। तो ये आप जान लीजिए कि इसमें समय लगता है। नहीं तो अगर होता है क्या कि तुरंत पौधे लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद तुरंत गमलों में लगा देते हैं तो कभी कभी पौधा तो ग्रो कर जाता है लेकिन कभी कभी पौधा शौक में चला आता है तो आप देखेंगे कि वो पौधा सूख जाता है। तो ये गलती आप कभी ना करें। पौधे को लेकर आइए, अपने गार्डन के बीच में उसको रख दीजिए और 3 से 4 दिन बाद उसको आप लगा दीजिए। उसके बाद जो अगला जो स्टेप है कि पौधे को कैसे आप लगाएँ। दोस्तों, आपको बताते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि जब भी पौधे को आप लेकर नर्सरी से लेकर आते हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो नर्सरी वाले होते हैं वो बर्तन, जो प्लास्टिक का बर्तन होता है, एक ट्रे नुमा होता है, उसमें लगाते हैं और उसी सहित वो ग्रो बैग में पैक कर देते हैं। ग्रो बैग में पैक कर देते हैं और उसी सहित आपको दे देते हैं और आप लाते हैं। आप करते क्या हैं कि केवल प्लास्टिक को फाड़ते हैं और फाड़ने के बाद मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी बना के लगा देते हैं। ये गलती कभी आप न करिएगा। अगर इस तरीके से आप लगा देंगे तो तुरंत तो पौधा नहीं मरेगा लेकिन महीने दो महीने बाद जब उसका रूट डेवलप होगा तो रूट डेवलप होने में कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगी और इस वजह से भी पौधा आपका बिल्कुल मर जाता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पौधा लगाने के 2 से 3 महीने बाद मर जाता है तो इस समस्या आती है। आपको करना ये है कि पौधा लगाने से पहले आप कम से कम एक काम करिए कि जो प्लास्टिक का ट्रे होता है या प्लास्टिक नुमा जो बर्तन होता है उसको कैंची से आप काट दीजिए और आराम से काटिए ताकि रूट डिस्टर्ब ना हो। इस बात को आपको ध्यान देना। उसके बाद लगा देंगे तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी रूट डेवलप होगा तो प्लास्टिक उसके बीच में बाधा नहीं बनेगा। उसके बाद जो आप नेक्स्ट काम इसमें कर सकते हैं कि चिकनी मिट्टी को हटाना। आपको हम बता दें कि नर्सरी वाले एक काम में करते हैं कि चिकनी मिट्टी में कोई भी पौधा ग्रो करते हो, चिकनी मिट्टी बहुत हार्ड होती है। दोस्तों, अगर चिकनी मिट्टी को सहित आप लगा देते हैं तो ये आपको बताएं कि कभी कभी कुछ परसेंटेज की संभावना है जो ग्रो कर जाती है लेकिन आपको बता दें अधिकतर वो पौधा मर जाता है। तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि आप पौधे को लेकर आइए और लेकर आने पर जब उसको लगाने आप जा रहे हैं तो लगाने जाने से पहले आप उसे बाल्टी में 2 से 3 घंटे तक पानी डाल के उसमें रख दीजिए ताकि जो मिट्टी होता है मिट्टी अच्छे तरीके से वो गीला हो जाए और जब गीला जाए उसके आराम से आप उसका अच्छे तरीके से उसको मिट्टी को हटा दीजिए ताकि रूट डिस्टर्ब होने ना पाए। और मिट्टी जब हटा देंगे उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम बता दें कि जो पौधा आप लगाने के लिए जो अच्छी पानी निकासी वाला मिट्टी आपको कैसे बनाएंगे, यह भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। जो पौधे मर जाते हैं उस कंडीशन में उसमें भी आपको बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप मिट्टी बनाइए ड्रेनेज सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग बनाइए ताकि आप पौधे को पानी दें और 2 से 3 मिनट बाद वो पानी नीचे तक निकल जाए। नहीं तो होता है क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम आप स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तो समस्या ये आती है कि पानी नीचे स्टोर होता है और जो स्टोर होता है तो कहीं ना कहीं जड़ में प्रॉब्लम आती है, फंगस आने लगते हैं और कुछ दिन चलने के बाद आपका पौधा बिल्कुल सूख जाता है। नेक्स्ट जो इसका उपाय है कि गमले को कैसे तैयार करें। आपको हम बता दें कि गमले में अगर
लगा रहे हैं पौधा, तो गमले में छिद्र होना बहुत ही ज़रूरी है, या छिद्र रहता है ऑलरेडी तो वो ज़रूरी है कि उसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से छिद्र है या नहीं है। या प्लास्टिक की बाल्टी में लगाते हैं, ट्रे में लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, अगर प्लास्टिक की बाल्टी में लगाते हैं तो आप अपने माध्यम से 2 से 3 छिद्र कर लीजिए। छिद्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छिद्र नहीं होगा तो पानी का निकासी किसके माध्यम से होगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका उपाय है कि मिट्टी में जो पौधा आप लगाते हैं उसमें ध्यान रहे कि खाद की जो मात्रा आप देते हैं, खाद की मात्रा कम देते हैं या अधिक देते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपको हम बता दें कि कभी भी होता है क्या है कि जब आप खाद की मात्रा देने जाते हैं तो सोचते हैं कि हम खाद की मात्रा ज़्यादा दे दें। ज़्यादा देने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप खुद सोचते हैं अपने मन में कि पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। ऐसी बात नहीं, कभी भी जब पौधा को लगाते हैं तो लगाते समय खाद की मात्रा बहुत कम दें तो बहुत बढ़िया होगा। जब पौधा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर जाए, जर्मिनेशन उसका स्ट्रांग हो जाए, ग्रो अच्छे तरीके से होने लगे, उसके बाद आप उसको खाद की मात्रा बढ़ा के देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उस कंडीशन में खाद की मात्रा उसको आप मत दें। नेक्स्ट जो इसका है कि जब भी पौधे को आप लगा दें तो पौधे को लगाने के बाद 4 से 5 दिन तक इसको छाया में आपको रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दें, कभी कभी होता क्या है कि जब पौधे को आप लगाते हैं, लगाने के बाद उसको आप अपने गार्डन में धूप की जगह ही रख देते हैं तो पौधा बिल्कुल शौक में चला आता है। कभी कभी देखते हैं कि बिल्कुल सूख जाता है 24 से 48 घंटे बाद। लेकिन जब भी आप पौधे को लगा दीजिए सारे फॉलो करने के बाद, तो लगाने के बाद उसको आप 3 से 4 दिन तक या 5 दिन तक उसको छाया में रख दें। हाँ, एक समस्या आपको आ सकती है कि कभी कभी देखेंगे उसकी जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ उसकी नीचे की तरह झुक जाएगी, लटक जाएगी। तो इससे आप घबराइएगा मत, चिंता मत करिएगा। जब भी उसको आप धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ बिल्कुल टाइट हो जाएगी और अच्छे तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। और आपको बता दें कि पानी कितनी मात्रा में अपने पौधे को आप दें, एक फैक्टर बहुत बड़ा यह भी है कि जब भी आप पानी अपने पौधे को देते हैं तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि कितना मात्रा में हम पानी दें। कभी कभी होता क्या है कि पाइप के माध्यम से हम पानी देते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में देते हैं कि पानी पूरे गमले को भर देते हैं। ये तरीका गलत है। आप पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, सुबह गर्मी के मौसम में सुबह दोपहर शाम अगर 3 टाइम देने के पड़े, टेम्परेचर अधिक है तो 3 टाइम दीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिए। दोबारा पानी आप तभी दीजिए जब उसकी मिट्टी अच्छे तरीके से कड़क हो गई है। आप नम मिट्टी में अगर पानी देने की कोशिश करेंगे तो आपको हम बता देंगे फंगस बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि नम मिट्टी फंगस को बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है गमलों का चयन करना। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी कभी होता है क्या है कि छोटा पौधा लेके आते हैं, उसको हम बड़े गमलों में लगा देते हैं। आपको हम बताते हैं कि ऐसा गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि बड़े गमले में इसलिए हम लगाते हैं कि सोचते हैं कि जब ये पौधा बड़ा होगा तो बाद में चल के इसको हमें रिपॉट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये सोचना तो आपका सही है, लेकिन होता है क्या है कि जब बड़े गमले में छोटे पौधे को आप लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी भी आता है और ज़्यादा मात्रा में खाद भी आप देते हैं, और इस कंडीशन में पौधे मरने के चांस आपका रहता है। आप छोटे पौधे को छोटे गमले में ही लगाइए, जब पौधा बड़ा हो जाए उसको बाद में चल के आप उसको रिपॉट कर दें। ऐसी गलती कभी भी आप ना करें। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका है, मिट्टी में फंगिसाइड का प्रयोग आप ज़रूर करें। दोस्तों जब भी पोटिंग मिक्स आप बनाते हैं तो पोटिंग मिक्स में आपको बता दें हम कि हल्दी का, राख का, इन सब चीज़ों का, काली मिर्च का, इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करें, ताकि फंगिसाइड भी आप मार्केट से परचेज करके उसको भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो मिट्टी में फंगस है बिल्कुल मिट्टी में फंगस ख़त्म हो जाए। इस कंडीशन में आपको करना ये ज़रूरी है कि फंगिसाइड रहेगा तो पौधे की रूट में अगर कोई फंगस होगा तो फंगस पौधे को मरने नहीं देगा। नहीं तो अगर उस कंडीशन में अगर आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड उपलब्ध है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% है तो 6 ml और 6% है तो 3 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो उसका रूट है, रूट को उसमें आप डुबो दीजिए और डुबोने के बाद फिर उसको मिट्टी में लगा दीजिए। या एक काम ये भी कर सकते हैं कि पौधे लगाने के बाद मिट्टी में जब पानी देते हैं तो उस पानी में हाइड्रोजन परऑक्साइड को मिला दीजिए और मिलाने के बाद पानी को आप दे दीजिए। ऐसे देने से मिट्टी में जो भी फंगस होगा, रूट में जो भी फंगस होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको बता देंगे सबसे मेन जो टॉपिक है कि पौधे को किस टाइम लगाएं, शाम के समय पौधे को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी पौधा लेकर आएं, कभी भी पौधा लेकर आने के बाद सारी चीज़ों को फॉलो कर दें, और फॉलो करने के बाद पौधों को हमेशा आप शाम में लगाएं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जब शाम को पौधा आप लगाते हैं
तो वो जो उसकी रूट होती है रात भर पूरे अच्छे तरीके से मिट्टी में एडजस्ट कर जाती है, फिर सुबह धूप होता है तो उसको दिक्कत नहीं होता है। आप सुबह सुबह पौधा लगा देते हैं, कभी कभी पौधा शॉक में चला जाता है और शॉक के चलते पौधा बिल्कुल सूख जाता है। दोस्तों ये छोटे छोटे टॉपिक पे मैंने आपको कवर किया, मैं आपको बता दूँ कि अगर छोटे छोटे टॉपिक पे अगर आप फॉलो कर दें तो जो पौधे सूखने की समस्या नर्सरी से लेकर आते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 101% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इन छोटे छोटे चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो करें, फॉलो करके एक बार देखिए अब विश्वास आपके सामने मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।